हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन। सो आज की वीडियो में हम जो जीएमसीएच का रिसेंट पेपर हुआ था नर्सिंग ऑफिसर्स का, उसके रिगार्डिंग कितनी कट ऑफ हो सकती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें चाहिए फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि जीएमसीएच ने ऑफिशियल आंसर की जो है वो रिलीज कर दी है अपनी वेबसाइट पे, तो जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था वो उस आंसर की से अपने क्वेश्चंस टैली कर सकते हैं। तो काफी कैंडिडेट्स हैं जिनको जिन्होंने अपने आंसर्स को भी मतलब देख लिया है कि कितने मार्क्स वो सिक्योर कर रहे हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। तो उस हिसाब से हम मतलब हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि हम सेलेक्ट हो सकते हैं या नहीं सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम हमारे वैकेंसीज की बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंसीज थी वो 162 थी। उनमें से जो जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज थी वो 64 थी, एससी 20 थी, ओबीसी 31 थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 16 था एंड जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड हैं उनकी 2 वैकेंसीज थी और एक्स सर्विस मैन वैकेंसीज भी थी, जिनमें से कि जो यूआर वैकेंसीज थी वो 9 थी, एससी हमारी 5 थी और ओबीसी 15 थी। तो टोटल 162 जो हमारी वैकेंसीज थी वो है। इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया, अगर हम देखें कि कौन से बेसिस पे जो हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो हमें पता है कि जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके 2 सेक्शंस थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 था वो हमारे 70 मार्क्स का था और पार्ट 2 था जो पार्ट 1 70 मार्क्स का था एंड पार्ट 2 हमारा 30 मार्क्स का था। टोटल 100 मार्क्स थे एंड ऑलरेडी ये सिलेक्शन क्राइटेरिया जीएमसीएच की वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड इनमें जो हमारा सब्जेक्ट 70 मार्क्स हमारा सब्जेक्ट नॉलेज था एंड जो हमारे 30 मार्क्स थे वो हमारा प्रैक्टिकल असेसमेंट टाइप क्वेश्चंस थे। एंड अगर हम देखते हैं तो मिनिमम जो कट ऑफ रहेगी, इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही मेंशन कर रखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के इंक्लूडिंग एक्स सर्विस मैन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए, तो मतलब 50 मार्क्स। पीए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको 45 मार्क्स चाहिए एंड एससी कैटेगरी इंक्लूडिंग एक्स सर्विस मैन दे रिक्वायर्ड 40% मार्क्स, ठीक है। एंड देयर वॉज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, ठीक है। एंड क्लियरली दे हैव मेंशन कि दोनों हमारे पार्ट में क्लियर करना जरूरी है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे कि आपने फर्स्ट में से कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं और सेकंड पार्ट में कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं, तो आपको दोनों पार्ट में क्वालिफाई करना जरूरी है। एंड इसमें इन्होंने लिखा है कि द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड बोथ बोथ टेस्ट, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर आपके पार्ट 1 में मार्क्स अच्छे बन रहे हैं लेकिन पार्ट 2 में अकॉर्डिंग टू दिस अगेन दिस क्राइटेरिया कि अगर 30 मार्क्स का था तो जनरल कैटेगरी को इसमें 15 मार्क्स मिनिमम चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, इनको 45 चाहिए और एससी कैटेगरी को 40 मार्क्स चाहिए। तो अगर आपका एक भी ऐसा पार्ट है जिसमें आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका नाम जो है वो मेरिट में नहीं आएगा, ठीक है। एंड जब वो काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तो दैट विल बी 1:3, मतलब कि अगर हमारे पास जितनी वैकेंसीज हैं लाइक 64 वैकेंसीज अगर हमारी अनरिजर्व की हैं तो वो उसके 3 गुना ज्यादा लोगों को बुलाएंगे, तो दैट विल बी 192। टोटल हमारे पास 162 वैकेंसीज हैं तो उसके 3 गुना ज्यादा मतलब 486 कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनको वो काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे एंड जो इनके अभी तक रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम हमारा रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है एंड दैट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन द वेबसाइट ओनली, ठीक है। जीएमसीएच की जो वेबसाइट है वहीं पे डिक्लेयर होगा एंड देयर इज नो पर्सनल इंटरव्यू। जो हमने एग्जाम में किया है, जो हमारा रिटन टेस्ट में हमने किया है, अगर हम दोनों पार्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं तो हम एलिजिबल है फॉर द काउंसलिंग। एंड जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो हमारे 19 कैंडिडेट्स की बनेगी जो दोनों पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने नीचे लिखी हुई है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जहाँ पे भी 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स होंगे उधर एज को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। जिसकी एज ज्यादा होगी उसका रैंक ऊपर चला जाएगा। एंड इसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड की बात करते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, तो
तो दैट इज बीएससी नर्सिंग, जीएनएम जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग की, हमें 4 साल की डीएमसीज होनी चाहिए, और पोस्ट बेसिक की और जीएनएम की डीएमसीज, हमारे पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, 10 सर्टिफिकेट फॉर द एज प्रूफ, आधार कार्ड फॉर द रेजिडेंट प्रूफ, इसके बाद स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए हमारे पास। जैसे कि पहले ये जब वैकेंसीज निकली थी तो उस टाइम ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर निकली थी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है 29,200 इन्होंने कंसोलिडेटेड सैलरी लिखी हुई है, क्योंकि पंजाब में जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है दैट इज ऑफ 3 ईयर्स। तो अभी जो है ये यूटी के अंडर आ गया है, तो अगर इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो आपको इंस्टीट्यूट ही क्लियर करेगा, लेकिन जो रिक्रूटमेंट अगर हम देखते हैं तो रिक्रूटमेंट के टाइम पे यही रिक्वायरमेंट है, और जब ये पंजाब के अंडर था तो उस टाइम पे जो मैंडेटरी हमारी रजिस्ट्रेशन थी दैट वाज पीएनआरसी ओनली, लेकिन हो सकता है कि अभी ये यूटी के अंडर आया है तो ये कोई और रजिस्ट्रेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जिस भी कास्ट से हम करते हैं, जो एक्स सर्विस मैन प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, और जो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने इसमें कंप्यूटर कोर्स मांगा है, तो आईसीटी स्किल कोर्स जो है दैट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसमें कैंडिडेट्स का इन्होंने अलग अलग मेंशन कर रखा है कि द कैंडिडेट विल सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स ऑन कंप्यूटर कोर्स 80 आवर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट विद एन ISO 9001 सर्टिफाइड, और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, और फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 80 आवर्स होने चाहिए, एंड इन्होंने यहाँ पे नोट दिया है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, बैचलर्स है और मास्टर्स डिग्री है इन कंप्यूटर साइंस, तो उनको ये इस कोर्स आईसीटी स्किल कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है। ये कुछ अपडेट्स हैं, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं इतने मार्क्स हैं, लेकिन मार्क्स हैं लेकिन दोनों ही पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा पार्ट 2 था वो हमारा स्किल बेस्ड था, मतलब प्रैक्टिकल असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन जो पार्ट 2 था वो हमारा नॉलेज बेस्ड था, और जो पेपर था वो ज्यादा टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, तो हम इसमें हाई मेरिट लिस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मेरिट आएगी वो हाई मार्क्स की ही आएगी। सो आज की वीडियो में हमने इतना डिस्कस किया है, एंड आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।